नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं इवान शर्मा, कैमरामैन हेमलता जी के साथ। जी हाँ, नमस्कार। आज मंडी हिमाचल प्रदेश से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत ही हर्षोल्लास से यहां पर गणपति विसर्जन मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल की दृष्टि को देखते हुए, जैसा कि सरकारी निर्देश भी यहाँ पर है कि कपाट यहाँ बंद रहेंगे, अभी पूरी सरकार का ये निर्देश है। और आप देख सकते हैं, अब कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं जरा ये दृश्य। और ये आप देख रहे हैं, अभी मंडी श्री सिद्ध गणपति मंदिर का ये नज़ारा है, और जहां विधिवत पूजन किया जा रहा है। कोरोना काल से पहले यहां पर आपको हम बता दें कि बहुत हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता था, और कहीं ना कहीं बहुत शोभा यात्रा इसकी यहाँ पर निकाली जाती थी। लेकिन अब ये कोरोना काल जो यहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर विधिवत जो पूजन है वो सिर्फ ट्रस्ट के जो गणमान्य लोग हैं और हमारे पुजारी जी हैं वो केवल यहाँ पर हैं, और किसी को भी अंदर आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। क्योंकि प्रशासन, हम आपको बार बार बता दें कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने अभी मंडी जिला में जितने भी मंदिर हैं उनके कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ यहाँ पर ट्रस्ट के अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे उनके भी सीधी वार्तालाप करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से गणेश उत्सव मनता रहा है, पूरी मंडी इतिहास गवाह रहती है कि शोभा यात्रा पूरी निकाली जाती है और 10-11 दिन के लिए पूरे जो जोर शोर के साथ गणपति जी को बिठाया जाता है, लेकिन इस बार जो कोरोना काल है, कोरोना काल के चलते क्या क्या यहाँ पर कम किया गया है कार्यक्रम, उसके बारे में जरा जनता को बताएं। सर्वप्रथम तो गणपति चतुर्थी की सभी प्रदेशवासियों को, स्थानीय जनता को जी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में महामारी का काल चला हुआ है जी, जिस कारण जो है इस बार जो है मंदिर में कोई भी गतिविधियां नहीं मनाई जा रही है जी। ये जो हमारा सिद्ध गणपति पीठ है, ये आदि द्वारा, और ये एक अपने आप में एक सिद्ध स्थल है, जहाँ पर हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ गणपति जी का उत्सव मनाया जाता था। चतुर्थी के दिन यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाता था, जिसका चतुर्दशी को विसर्जन होता था जी। और पूरे उत्सव के दौरान यहाँ पर गणपति जी की कथा भंडारा वगैरह का आयोजन किया जाता था जी। परंतु इस वर्ष जो इतनी बड़ी भयंकर महामारी आई हुई है, इसको देखते हुए पूर्ण रूप से देश के अन्य भागों की तरह मंडी में भी हमारे मंदिर के कपाट बंद रहेंगे जी। सिर्फ एक जो विधि होती है उसके निमित्त आज छोटी सी पूजा की जाएगी, और सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपना गणपति में इस बार कोई भी उत्सव नहीं हो रहा है। बाहर से सोशल डिस्टेंस को देखते हुए कोई देवड़ी में आता है तो दूर से ही मस्तक नवाएं, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर भीड़ भाड़ होने से बचा जा सके, ये मेरी एक जनता से नम्र प्रार्थना रहेगी। हमारे ट्रस्ट के जो भी अन्य साथी है, मैं महासचिव सिद्ध गणपति ट्रस्ट की ओर से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रस्टीगण हैं वो भी इसमें कोई भाग नहीं ले रहा है जी। सिर्फ एक रीति के द्वारा, जैसे एक परंपरा होती है, उसी के अनुसार आज चतुर्थी को छोटा सा पूजन किया जाएगा। और जहाँ तक विसर्जन का प्रश्न है, विसर्जन के लिए हमने कोई मूर्ति स्थापित नहीं की है, एक सुपारी के रूप में गणपति जी का आह्वान करके उसको स्थापित किया है, उसी सुपारी का ही विसर्जन ट्रस्ट के लोगों द्वारा, एक आधे दो लोगों के द्वारा व्यास घाट पे किया जाएगा जी। तो देखिए, ये हमारे साथ महासचिव थे श्री सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के, और इनका कहना भी यही है कि जो पिछली भांति की तरह यहाँ पर आयोजन किया जाता था, इस बार वैसा कुछ भी नहीं है, मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित नहीं की गई है। जो विस्तृत कार्यक्रम है वो यहाँ पर पंडित और ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, और जिसका विसर्जन 30 तारीख को विधिवत किया जाएगा। लेकिन कोरोना काल का जो इफेक्ट है वो हमको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। होली का त्यौहार जो था वो भी हमारे हाथ से निकल गया था, उसके बाद जन्माष्टमी का जो महोत्सव था उसमें भी कपाट बंद ही था। सिद्ध गणपति का जब गणेश उत्सव है तब भी यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। हम आपको एक और चीज यहाँ पर और बता दें कि जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर अगर आप हर साल की भांति अगर देखते तो यहाँ पर इस समय बहुत ही जमावड़ा लोगों का होता था, टेंट यहाँ पर लगते थे और यहाँ पर श्रद्धालु जो थे वो पूरी अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ आते थे। लेकिन कोरोना काल के दौर में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बहुत ही विस्तृत यहाँ पर कार्यक्रम है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है।
जी हाँ, इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए जीवन उत्साह के साथ। मैं इवान शर्मा हिमलता जी के साथ, नमस्कार।